भरपूर तालियों में खुशामदीद कहेंगे इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक को। किसी भी इदारे की कामयाबी का इन्हसार और दारोमदार सरबराह इदारा की आला फिक्र और क़ियादत पर होता है कि किसी भी सरबराह इदारा की वसीयुल नजरी और वसीयुल कल्बी ही किसी इदारे को मजबूत और मजबूत से मजबूत तर बनाती चली जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और फिर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की एफएम रेडियो 92.4 को एक बेहतरीन इदारा बनाने में आईजी पुलिस जनाब बनी आमीन साहब और इंटीरियर मिनिस्टर जनाब रहमान मलिक साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इनकी फुल सपोर्ट है। और आज उनकी यहाँ पर मौजूदगी भी इस बात पर गमाज है कि उन्होंने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो कि एक मॉडल पुलिस थी को फुल सपोर्ट किया। हम सर आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी गुनागु मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ ले आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें यकीनन हमारी जारी रहेंगी, जो हमारे नेक्स्ट लॉट है हम उसकी जानिब भी मूव करेंगे। लेकिन अपने तमाम जो हाजरीन हैं यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें हम ये कहेंगे कि जी इंटीरियर मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि केक कटिंग सेरेमनी भी इनकी मौजूदगी में ही हो जाए। और जो ही केक कटिंग सेरेमनी होगी उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो जारी रहेंगी। अच्छा, तो एक और हमारे पास नेक्स्ट नॉमिनी नेक्स्ट स्लॉट पे भी हम जाएंगे। और जो मजे की बात है कि जो पहली स्लॉट जो हम अनाउंस कर चुके हैं और ये यकीनन एक फख्र की बात है कि वो स्लॉट विन की है जनाब सजाद अहमद शेख साहब ने। यूनिफॉर्म पहनने वाला शख्स सिर्फ आपके चलान करने पर मुतय्यन नहीं है बल्कि उसके अंदर का इंसान इंतहाई खूबसूरत और बाज़ौक भी हो सकता है, वो इस बात की अलामत है। बिल्कुल जी, इस बात की अलामत है, इसलिए क्योंकि आप अगर सजाद का प्रोग्राम आप लोगों ने भी सुना हो तो आपको यकीनन इस बात का एहसास होगा कि वो कितना खूबसूरत बोलते हैं और अपनी शायरी के साथ उन तमाम चीजों को कितने अच्छे तरीके से लिंक करते हैं। चलें जी, अगली चलते हैं स्लॉट पे। अगली स्लॉट है 8 से 10 की टॉक शो की और उसका अवार्ड अनाउंस करने के लिए तशरीफ लाएंगी और यकीनन आपकी तालियां बताएंगी कि कौन तशरीफ ला रही हैं। जी, आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा लैला जुबैरी। आठ से दस की स्लॉट है टॉक शो की स्लॉट। Slot talk show 8 PM to 10 PM. The nominees are Heather Farooq. Rango Khushbur Kerlo ke tamam tarah walon ke saath FM 92.4 ke studio se aapka mezban Heather Farooq. Kaise hain aap? Theek hain? Khairiyat se hain? Sham bakhair. हाँ, यही दुआ है कि आपकी शाम अच्छी गुजरे, जब ये शब में ढले तो और अच्छी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर प्रेजेंटर योर आरजे फराज। एवरी सैटरडे 6 to 8 PM हमारा साथ रहता है कैंपस कैफेटेरिया में। प्रोग्राम टॉक शो आया मैं आया लेकिन मोहब्बत पहचानो मुझको पहचानो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल यू नाइस एंड ग्रेट लिसनर्स। जी, और ये अवार्ड किसको जा रहा है? किसके नाम की खुलती है? अवार्ड विनर है हैदर फारूक। हैदर फारूक, अच्छा आखिर में हैदर फारूक जहां बोलते बहुत अच्छा है उसके साथ साथ हैदर फारूक गाते भी बहुत अच्छा है। अगर आप इनका गाना भी थोड़ा सा दो लाइनें यानी सुनना चाहते हैं तो फिर आपकी तालियां बताएंगी। नाम के लिहाज से तालियां बहुत कम थी। सर, हमारी जानिब से भी आपको मुबारकबाद और अपनी फीलिंग जरूर शेयर कीजिएगा। अवार्ड आपका और अवार्ड वाला लिफाफा मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बन गया तो तेरी जुस्तजू न जाती रहे, कहीं कहीं मेरे जौहर को खाम रहने दे। मैं सबसे पहले रब्बे कायनात का ममनून हूँ कि उसने ये लम्हा दिखाया और फिर ये मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे असातिज़ा की शफकत है
जनाब एजाज वकार साहब, मेरे उस्ताद इस वक्त स्टेशन डायरेक्टर इस्लामाबाद रेडियो मोहतरमा नैयर जमाल साहिबा और दूसरे मेरे साथी, और एफ एम मंडल के जनाब कामरान ख्वाजा साहब, उनकी शफकत हमेशा शामिल हाल रही जिन्होंने मुझे यह एतमाद दिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपने सुनने वालों का मैं बहुत ममनून हूँ जिन्होंने इस इज्जत से नवाजा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर फारूक साहब। अगली